और रेल यात्रा का अपना टिकट कैंसिल करने के बाद हो सकता है कि आपको इस बात की टेंशन होती हो कि रिफंड कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, लेकिन अब ये मुश्किल नहीं आएगी। रेलवे ने एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च की है जिसके बाद आप अपने रिफंड स्टेटस को ट्रैक कर पाएंगे। कैसे काम करेगा ये सिस्टम, आपको बता रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। रोजाना लाखों लोग भारतीय रेलवे में सफ़र करते हैं, हजारों लाखों लोग जो है टिकट कंफर्म नहीं होने के चलते या फिर अलग अलग वजहों के चलते अपना टिकट कैंसिल करते हैं, लेकिन कैंसिल टिकट के बाद रिफंड का स्टेटस क्या है ये जानने के लिए कई बार उन्हें टिकट काउंटर पे जाना पड़ता है, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए रेलवे ने ऑनलाइन प्रक्रिया का दामन थामा है, पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है, जिसमें रेलवे ने एक नई वेबसाइट लॉन्च करी है। मकसद यही है कि आपके टिकट कैंसिलेशन का जो रिफंड है उसका स्टेटस आप ऑनलाइन जान सकें। ये वो वेबसाइट है, नाम है रेलवे कोचिंग रिफंड। इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे refunds.indianrail.gov.in, ये इस वेबसाइट का URL है, और जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये उसका फ्रंट पेज जो पहला स्क्रीन आपके सामने आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। और इसमें चार अलग ऑप्शन दिए गए हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है चेक रिफंड स्टेटस, इस पर क्लिक करने के बाद जो अगली विंडो आपके सामने आएगी उसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें आप केवल अपने PNR नंबर और यात्रा की तारीख यहाँ पर अगर भरते हैं तो आप अपने जो कैंसल्ड टिकट है उसका रिफंड स्टेटस जान सकते हैं। इस तरीके से आप अपने 10 अंकों का PNR स्टेटस अगर इसमें भरते हैं और उसके बाद जो यात्रा की तारीख है उसको अगर आप इसमें इस डाटा में फिल करते हैं तो आप अपने रिफंड का स्टेटस जान सकते हैं। रोज़ाना लाखों लोग जो हैं इस प्रॉब्लम का सामना करते हैं, क्योंकि जब टिकट कैंसिल करते हैं तो उसका पैसा कहाँ अटक गया है, क्या वो IRCTC के पास है या फिर जो पेमेंट गेटवे है क्या उसके पास पैसा अटका है। इस तरीके की कई दिक्कतें सामने आती हैं और इन दिक्कतों को अब धीरे धीरे ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत दूर करने की कोशिश है भारतीय रेलवे की। लेकिन एक पेंच अभी भी ये है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये एक अलग वेबसाइट है, इसके चलते लोगों को ज़्यादा पता नहीं चल पाता है कि आखिर वो कहाँ जाएं और कहाँ से अपना ऑनलाइन जो स्टेटस है उसको जान सकें। लिहाजा रेलवे अगर इसको क्लब कर लेती है, इसको शामिल कर लेती है अपनी जो मेन वेबसाइट है या फिर IRCTC की वेबसाइट पे, तो ज़्यादा आसान और लोगों की पहुँच में ज़्यादा ये हो पाती। कैमरामैन मनोज के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया।